हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है। वेलकम टू माय चैनल रीना की रसोई। आज हम पनीर टिक्का बनाएंगे। पनीर टिक्का को मसालों के साथ मैरिनेट करके ओवन या तंदूर में ग्रिल किया जाता है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पनीर को क्यूब शेप में काट लेंगे। अब एक बाउल में दही, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, चाट मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार, नींबू का रस, ऑलिव ऑयल या आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सारी सब्जियां और पनीर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। दो घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाला। अब इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। मैंने लकड़ी के स्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया है। इन्हें 10 मिनट के लिए पानी में डाल के रखेंगे। पनीर और सब्जियों को एक एक करके स्क्यूअर्स में लगाएंगे। इन्हें हम प्रीहीटेड ओवन में 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे। बाकी के पनीर और सब्जियों को भी इसी तरीके से स्क्यूअर्स में लगाएंगे। ग्रिल करने के पहले बचे हुए मैरिनेट को सब्जियों के ऊपर लगाएंगे। ग्रिल करते समय स्क्यूअर्स को 2 से 3 मिनट बाद टर्न करना है। पनीर टिक्का को सलाद और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।